अध्यक्ष महोदय, अभी जो धान खरीदी इस साल जो हुआ है उसी पे मेरा प्रश्न है और आपसे मैं इस प्रश्न में संरक्षण भी चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, मुझे जो आपने जवाब दिया है कि 22-23 की जो खरीदी हुई थी उसमें टोटल रकबा जिसपे किसानों ने पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा 29.06 लाख हेक्टेयर था और कुल जो किसानों ने खरीदी की धान बेचा उसकी मात्रा था 107.53 लाख मैट्रिक टन। ये सही है क्या? ये सही है? अच्छा चलिए, मैं उसको दूसरा बदल देता हूँ। आपने उत्तर दिया है तो मैं सही मान रहा हूँ इसको। 23-24 जो इस साल की खरीदी है, आपने उत्तर 25 जनवरी तक का दिया है। अभी तो धान खरीदी खत्म हो गई, तो टीवी में जो चल रहा है, पेपरों में जो चल रहा है कि 145 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, क्या ये सही है? जी हाँ, सही है, सही है माननीय अध्यक्ष महोदय। लगभग उसमें थोड़ा सा कमाया। अच्छा, तो इस साल पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा कितना है ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवंबर का बता देता हूँ। नवंबर में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 386,280 मानी गई थी। माननीय मंत्री, मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ। धान खरीदी हो गया, आपने कहा टोटल जो धान अभी खरीदा गया है वो 145 लाख मैट्रिक टन है, तो आप ये मुझे बता दीजिए जो पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा टोटल कितना? माननीय बीज मोहन जी, जरा मदद करिए। अभी आपने मदद की है, अभी मदद करिए ना, कितना रकबा है? इसका कुल रकबा माननीय विधायक के द्वारा पूछा गया है, देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की पंजीकृत किसानों की संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय 26.63 लाख, कुल पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर, कुल धान बेचने वाले किसान 24.72 लाख। नहीं, मैंने बता दिया, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। पंजीकृत कृषकों के बेचे गए धान का रकबा, आप इसको छोड़ के बाकी सब बता रहे हैं। जी 26.63 लाख 26.63 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 में खरीदी हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसका रकबा था 29.06 लाख हेक्टेयर और अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 26 लाख, 3 लाख हेक्टेयर कम। छत्तीसगढ़ है माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये जी। कम नहीं है, अभी तो धान खरीदी जारी है और जारी है, इसलिए धान खरीदी खत्म हो गए, कहीं जारी नहीं है। क्या हो रहा है? कितना सीरियसनेस है? ये संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से समझ में आ रहा है अध्यक्ष महोदय? ये सरकार धान खरीदी में और किसानों के मामले में कितना सीरियस है और इनको कितना इस मामले में सीरियस नहीं है, ये आपके उत्तर से समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, रकबा कम हुआ 3 लाख हेक्टेयर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया 26 लाख समथिंग,
और पिछले साल जो खरीदी हुई है वो 29 लाख के आसपास हुई है। नहीं हुई आप ये उत्तर आप पिछले बार धान खरीदी की लिमिट उमेश जी अध्यक्ष महोदय पिछले बार धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी और इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित कर दी गई है और कोई किसी के पास किसी अध्यक्ष महोदय किसी के पास अगर 10 एकड़ जमीन है तो अगर वो 8 एकड़ के रकबे पे ही उसका 21 क्विंटल अगर हो जाता है। पिछले साल 1,20,00,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी, इस बार 1,45,00,000 मीट्रिक टन धान। माननीय सक्षम नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हूँ, क्या आप मुझे किस सदन को आदेशित करेंगे कि उत्तर मुझे किससे मिलेगा? बिल्कुल जवाब दीजिए भाई। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय व्यवस्था का प्रश्न है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ठीक है आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री दयाल दास जी विभागीय मंत्री हैं और उसको जवाब देना है और उसके बगल में खड़ा हुए हैं उप मुख्यमंत्री जी और ये इस प्रकार से सदन में पहली बार इस प्रकार से देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय आप निर्देशित करें कि उप मुख्यमंत्री जी अपने बैठे या फिर वो खुद जवाब दे दें अपने आसंदी से बैठ के, लेकिन इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय आगे बढ़ जाऊं? निर्देशित अगर आपका निर्देश होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं आप प्रश्न कर लीजिए, आप जो चाहते हैं प्रश्न। नहीं नहीं आप प्रश्न कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दे रहे हैं मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद कोई ठीक अतिरिक्त प्रश्न हो कर सकते हैं। आपका निर्देश सर जैसा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, '25-2024 उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 1,63,000 टन किसानों की संख्या 26.63 लाख किसान, पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टर, ये माननीय अध्यक्ष महोदय 25-1 तक का है और 4-2-24 तक उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जो किसान की संख्या है 26.63 लाख किसान, पंजीकृत रकबे 33.39 लाख हेक्टर, किसान की संख्या 23.29 लाख किसान और इसमें 4-2-24 में 24.72 लाख किसान। तो माननीय अध्यक्ष महोदय ये बेचे गए धान का रकबा ये आपके 25 तारीख तक के था 25.13 लाख हेक्टेयर और 4 तारीख था 27.92 लाख हेक्टेयर। इस तरह माननीय अध्यक्ष महोदय काफी डिटेल आ गया, काफी डिटेल उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय मंत्री जी के उत्तर से मैं सहमत हूँ कि पिछले बार जो रकबा बेचा गया था वो 29.06 था और इस बार जो रकबा बेचा गया है वो 27, जो भी आप उन्होंने बताया 2 लाख हेक्टेयर कम धान बेचा गया है और इसके कारण से आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे जो पूर्ववर्ती सरकारों से हर साल धान का रकबा बढ़ा है, ये पहला साल होगा अनुपात में, अनुपात की बात कर रहा हूं क्योंकि 21 क्विंटल में इस बार खरीदी हुई है और पहले 15 क्विंटल में खरीदी होती थी, अगर उस अनुपात में देखेंगे तो इस बार धान की खरीदी कम हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि चूंकि ये पता चल गया है आपके उत्तर से कि धान की खरीदी कम हुई है तो इसका कारण आप बताना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय 23-24 में 27.93 लाख हेक्टेयर रकबा का धान खरीदा जा चुका है, बचत साल से रकबा कम है, किसान बेचने वाले 24.72 लाख, 20-22-23 बेचने वाले किसान 23.42 लाख, 1.30 लाख किसान ज्यादा बेचे। चलिए बहुत अच्छा, ज्यादा बेचे। माननीय अध्यक्ष महोदय रुकिए, ठीक है नहीं 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 सारी बातें आ गई। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण किए किसान, बाकी प्रश्न भी कुछ नहीं, नहीं ये प्रश्न का औचित्य क्या है? ये सरकार ने आपसे
ज्यादा धान खरीदा है नहीं, धान खरीदेंगे। आपने धान अनुपात में कम खरीदा है, ज्यादा धान खरीदा है, आपने धान अनुपात में कम खरीदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 20 लाख टन खरीदा और अभी तक सरकार 1,40,00,000 टन धान खरीद चुकी है। आप तो किसानों का धान खरीदते नहीं थे, खरीदा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो तीन सदस्य और पूछ रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी में एक बार और मौका ठीक कर ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस साल के जो किसान जो बेचे उसके रकबा उसमें जो रकबा है वो कम है। अब सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि पिछले समय 15 लाख था, इस समय 20 क्विंटल करने के बाद उसके बाद फिर 21 क्विंटल कर दिए, तो आपके जो उपार्जित जो धान है वो 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक गया है, लेकिन अभी भी देखिए आपको उत्तर में 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, 26 लाख 63 हज़ार और 23,29,000 किसान ही धान बेचे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले समय से ये कम हुआ है, रकबा भी कम हुआ है और किसानों की संख्या भी कम हुई है। और चूंकि अभी 4 तारीख तक के आपने समय बढ़ाया, लेकिन उसमें अभी तक के जो सूचना मिल रही है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं, बहुत सारे किसान अभी धान विक्रय नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि रकबा भी कम बता रहे हैं, किसानों की संख्या भी कम बता रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करेंगे कि ये समय में वृद्धि की जाएगी, जैसे कि मंत्री जी ने कहा भी धान खरीद चल रहा है तो इसे जारी रखेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी का तारीख समाप्त हो चुका है और ऐसा कोई शिकायत नहीं आया हमारे पास। माननीय अध्यक्ष, किसानों का टोकन नहीं मिल रहा है, किसान अभी तक धान नहीं बेच पाए हैं, चाहे महासमुंद जिला हो, जांजगीर जिला हो, चाहे बालोद जिला हो, बहुत सारे जिलों से किसानों की शिकायतें आ रही है। माननीय अध्यक्ष, नहीं मिला कोई शिकायत है आपके पास? माननीय अध्यक्ष, सीधे बात, ये आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया पिछले समय से रकबा भी कम है, किसानों की संख्या भी कम है, और अभी लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख तक की घोषणा की, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिला, ये भी शिकायत मिली। और टोकन दूसरी तरफ ये हुआ है कि बालोद जैसे जिले में 56 जो सोसाइटी, प्रश्न की जगह भाषण हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी दे रहा हूँ, किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं आप लोग। आप अपने कार्यकाल में लोगों को भाषण देते थे कि क्या करते थे, इस प्रकार की शिकायत नहीं मिली। मैं तो बता रहा हूँ कि आपने कह दिया कि भाई ये अनावारी रिपोर्ट के आधार पर उससे अधिक कैसे आपने धान खरीद लिया, ये नोटिस भी आपने दिया है। तो मंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लगातार शिकायतें हैं और मैंने कुछ जानकारी दी, तो क्या मंत्री जी इसमें धान खरीदी का समय में वृद्धि करेंगे? नहीं, उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमारे पास मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया है कि समय नहीं बढ़ाएंगे तो ये विषय समाप्त होता है, आगे बढ़िए। लाइन लगाए खड़े हैं, भुगतान भी नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री भी सदन में है, हम चाहते हैं कि सदन में घोषणा करें कि समय में वृद्धि की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर लिख दे दिया माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी इसलिए कम हुआ है कि इनके तहसीलदार के द्वारा प्रबंधकों को चमकाया गया है कि आप किसानों से अगर किसी प्रबंधक का
ये आप हम भी सड़क पुन्नूलाल बोले जी आपने बोले जी अपना प्रश्न करें कैसे जा रहे मंत्री जी बैठ जाइए। अरे कुछ दिन बाद बोले जी प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार ने पिछली सरकार से ज्यादा धान खरीदा है और किसी किसान की कोई शिकायत नहीं है कि उसने धान नहीं बेचा है, परंतु उसके बाद भी कोई स्पेसिफिक बात विपक्ष के लोग नहीं कर रहे हैं और जबरदस्ती बहिर्गमन कर रहे हैं। मैं तो हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ज्यादा धान खरीदा। चलिए प्रश्न में आ जाइए। अध्यक्ष महोदय सर जब माननीय अध्यक्ष महोदय मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से भारत सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है मोटे धान का कीमत कितना है पतले का कीमत कितना है और आपने धान कितना खरीदा और कितना धान बेचना शेष था लोगों के। माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय विधायक जी के द्वारा धान का समर्थन मूल्य पूछा गया है। हम मोटा पतला बता देता हूं मैं। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय नहीं प्रश्न